हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड, आज हम क्लास इलेवेंथ का मैथ का चैप्टर नंबर 2.1 लाया हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक्स अपान 3 प्लस 1 कामा वाई माइनस 2 अपान 3 इज इक्वल टू 5 अपान 3 कामा 1 अपान 3 तो एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि एक्स अपान 3 प्लस 1 वाई माइनस 2 अपान 3 इज इक्वल टू 5 अपान 3, ये इतने के बराबर है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, एक्स एंड वाई। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे, देख रहे हैं कि आर्डर पेयर सेम है। जब आर्डर पेयर सेम है तो इसका ये वाला पोजीशन इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला पोजीशन इसके बराबर हो जाएगा। तो चलो हम कर देते हैं। क्या करते हैं, एक्स अपान 3 प्लस 1 इज इक्वल टू ये वाला पोजीशन इसके बराबर हो जाएगा 5 अपान 3 के। और यहाँ पर y की, ये तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए होगा, अब y की वैल्यू ज्ञात करनी है तो y माइनस 2 अपान 3 है, y माइनस 2 अपान 3 है, ये वाली पोजीशन इस वाले पोजीशन के बराबर हो जाएगी तो 1 अपान 3 हो गया। यहाँ से y की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू। तो इसको हल करते हैं, ये जो प्लस 1 है इसके इज इक्वल टू भी उस साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन हमेशा चेंज होता है। तो देखते हैं, एक्स अपान 3 इज इक्वल टू 5 अपान 3, ये प्लस है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस। तो करते हैं, एक्स अपान 3 इज इक्वल टू, इसको घटाएंगे, यहाँ पर और मान लिए, इसका इसका एलसीएम 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये एक्स इज इक्वल टू 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 2। इस x की वैल्यू 2 आ गया। अब y की वैल्यू देखते हैं। अब जैसे यहाँ दिया है बराबर की इस साइड है माइनस 2 अपान 3, जब ये माइनस 2 अपान 3 बराबर के उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 अपान 3 है, ये चिन्ह पॉजिटिव हो गया, ये 2 अपान 3, 2 अपान 3। अब इसको जोड़ देंगे, क्या है, सिंपल आ गया, एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला का जोड़ देंगे डायरेक्ट, 2 1 3, 3 अपान एलसीएम 3 है, यह है, क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1। सो फ्रेंड, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय बी इजकल टू 3 4 5 है, तो क्रॉस ए बी में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया हमने, कंसीडर कर लिए अपने से कि जो समुच्चय ए है, सेट ए में एक्स वाई जेड है, और सेट बी में यहाँ दे चुका है कि 3 4 5 है, 3 4 5। तो हमको निकालना क्या, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या। तो हम पूरा बता रहे हैं, इसमें अवयवों की संख्या तो डायरेक्टली इसका इसका क्रॉस कर देंगे तो 9 आ जाएगा, लेकिन हम पूरा बता रहे हैं, समझा रहे हैं। जो ए क्रॉस बी बोला है, ये सेट ए के जो एलिमेंट हैं, सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से अलग अलग एलिमेंट से पेयर बनेगा। जैसे देखते हैं, ये है तो ये एक्स है, ये 3 है, तो इसका इसका पेयर एक बनेगा, पूरे ये मझला कोष्ठक कहते हैं, एक्स 3, एक्स 3 के साथ, फिर एक्स 4 के साथ, फिर एक्स 5 के साथ, अलग अलग पेयर बनाएगा। तो हो गया एक्स 4 के साथ, अब ये एक्स 5 के साथ पेयर बनाएगा, एक्स 5 के साथ। अब फिर इस वाई का पारी आया, अब वाई का पारी आया तो वाई भी 3 4 5 के साथ अलग अलग पेयर बनाएगा। तो देखो, y हो गया 3 हो गया, फिर क्या है, y है 4 है, फिर क्या है, y है 5 है, फिर क्या है, z है। इस z का भी 3 4 5 के साथ अलग अलग पेयर बनेगा। तो देखो क्या होता है, z 3 है, फिर z 4 है, फिर z 5 है, यही है ना फ्रेंड। ये सब एक क्रॉस बी में अवयवों की संख्या बताते हैं, कितने एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें गिनते हैं कितना आ रहा है एक क्रॉस बी में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे 9, यही हमारा क्या होगा आंसर। सो फ्रेंड देखो पहले इसको समझो, अगर यहाँ पर क्रॉस है इसमें एलिमेंट इस तरह से याद करते हैं कि जैसे ये देखो कोष्टक के अंदर है तो ये एक एलिमेंट होगा, ये दो एलिमेंट नहीं होगा। ओके, ये मझला कोष्टक हमेशा ध्यान देना होगा, मझले कोष्टक के अंदर गई, छोटा भी कोष्टक आ गया तो इसको एक एलिमेंट मानेंगे, जैसे कि इसको यहाँ पर एक एलिमेंट माने हैं। तो सो फ्रेंड इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि जी इजकल टू 7 8, जी इजकल टू 7 8, एच इजकल टू 5 4 2 है, तो जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी ज्ञात कीजिए। तो हमें पिछले क्वेश्चन में बताए थे जी क्रॉस एच कैसे निकाल, तो यहाँ पर हम जी क्रॉस एच निकाल रहे हैं, जी ये हो गया एच ये हो गया, तो इसका जो एलिमेंट है 7, इसके तीनों एलिमेंट के 7 पेयर बनेगा, फिर ये जो 8 है इन तीनों के साथ पेयर बनाएगा अलग अलग, ये सब पूरे मझले कोष्टक में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सेट है, समुच्चय है, ठीक है। तो 7 का 5 के साथ, 7 का 5 के साथ, फिर इस 7 का 4 के साथ बनेगा, 7 का 4 के साथ, फिर इस 7 का 2 के साथ, फिर इस 7 का 2 के साथ, यहाँ कामा लगाना मत बोलना फ्रेंड, फिर यहाँ कामा, फिर ये 8 का इसके अलग अलग से बनेगा, 8 का बनेगा 5 से, तो 8 का बना 5 से, कामा, फिर 8 है 8, 4 है तो 4 से बनेगा, फिर 8 का बनेगा किससे, 2 से बनेगा। यही हमारा जी क्रॉस एच का आंसर होगा फ्रेंड। अब निकालना क्या है, एच क्रॉस जी, तो यहाँ लिख देते हैं एच क्रॉस जी, एच क्रॉस जी निकालना है तो इन तीनों को इन दोनों के साथ पेयर बनाएंगे, तो देखते हैं फ्रेंड क्या आता है। ये 5 है, एक बार 7 के साथ बनेगा, ये 5 फिर एक बार 8 के साथ बनेगा, ये 4 एक बार 7 के साथ बनेगा, एक बार 8 के साथ बनेगा, ये 2 एक बार 7 के साथ बनेगा, एक बार 8 के साथ, तो एच क्रॉस जी हो जाएगा। तो सब कोई मझला कोष्टक में रहेगा, क्यों? क्योंकि सेट है। तो 5 7 के साथ, फिर 5 8 के साथ, फिर 4 7 के साथ, 4 7 के साथ, फिर 4 8 के साथ बनाएगा, 4 8 के साथ पेयर बना लिया, फिर ये जो 2 का पर्याय है अब 2 7 के साथ बनाएगा, 2 7 के साथ बना लिया, फिर 2 8 के साथ बनाएगा, 2 8 के साथ, यही हमारा देखो इसमें देख रहे हो कुछ, जी क्रॉस एच में 7 है 5 है 7 4 7 2 8 5 इतना आया, लेकिन एच क्रॉस जी में इसका जस्ट उल्टा आया है, देख रहे हो ना, जब एच क्रॉस जी हो गया यहाँ पर जी क्रॉस एच उल्टा है तो इसी का जस्ट उल्टा ही आएगा। ओके फ्रेंड, यही हमारा आंसर है। सो फ्रेंड इसमें चौथा क्वेश्चन कर रहा है सत्य असत्य बताओ, तो इसमें पहला है यदि पी इजकल टू सेट ऑफ एम और एन और क्यू इजकल टू एन एम, तो पी क्रॉस क्यू इजकल टू इतना होगा, क्या ये सही कि गलत? तो हम पिछले मतलब कि क्वेश्चन में बताए थे जी क्रॉस एच कैसे निकालने, ठीक उसी तरह से पी क्रॉस एच हम यहाँ से निकाल रहे हैं। तो यहाँ देखो फ्रेंड पी क्रॉस क्यों निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो एलिमेंट है पी का, सेट पी के एलिमेंट जो हैं सेट क्यों के एलिमेंट से अलग अलग पेयर बनाएंगे, जैसे यम है यन के साथ पेयर बनाएगा, फिर यम है यम के साथ बनाएगा, फिर यन है यन के साथ बनाएगा, फिर यन है यम के साथ। तो चलो देखते हैं इसको एक सेट में लिखते हैं, यम है यन के साथ बना दिया, यम है यन के साथ बना दिया, फिर यम के साथ बनाएगा, फिर यम, फिर क्या हो गया, फिर यन की पारी आई, फिर यन के साथ बनाएगा, फिर क्या हुआ यम के साथ बनाएगा, यन एम के साथ, ये मझला कोष्टक बंद, इसको जरूरी है यहाँ क्लोज, यहाँ ओपन है तो यहाँ क्लोज रहेगा, ठीक है। क्या इस तरह से इसमें आया है पी क्रॉस क्यों, ये तो आया है, ये भी आया है, मगर ये दोनों नहीं आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसको असत्य बोलेंगे, असत्य क्यों हुआ बता दिए, क्यों, क्योंकि पी क्रॉस क्यों निकालने पर हमारा आंसर इतना आ रहा है
और इस क्वेश्चन में जो निकाला है पी क्रॉस क्यू वो इतना है, तो मतलब ये गलत है। दो ठोर बाकी है इसमें जो कि इसमें लिखा नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है फ्रेंड। यहाँ कह रहा है यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार की एक्स विलोम ए तथा वाई विलोम बी, ये जो क्रमित युग्म है ये आर्डर पेयर है इसका, ये जो ए क्रॉस बी है इसका आर्डर पेयर एक्स वाई है। तो हम जाहिर सी बात है कि जो एक्स का एलिमेंट है वो समुच्चय ए में आएगा, मतलब समुच्चय ए में सारे एलिमेंट मिलेंगे, और जो वाई है वाई का एलिमेंट वो समुच्चय बी के सारे एलिमेंट से मैच करेगा। तो मतलब ये सत्य कथन है, ये जो बोला है ये सत्य कथन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि ए इजकल टू 1 2 सेट ऑफ ए 1 2 और बी के समुच्चय जो है 3 4 है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई इजकल टू 5। तो हम चेक कर लेते हैं, क्या चेक करते हैं, ये जो एलिमेंट है अगर फाई आ गया भाई, कहीं फाई आ गया तो समझ जाना कि जो सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है और ये जो कामन दोनों में कर रहा है, जब इसमें एलिमेंट नहीं है और ये जो बी है, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें भी फाई आएगा, कोई एलिमेंट ऐसा है ये नहीं कि जो कामन रहे, तो बोल देंगे ये भी फाई हो गया। ये फाई का मतलब समझे, तो जब फाई और यहाँ से फाई आ गया, अब ए क्रॉस फाई ये याद करना है हमको, ए क्रॉस फाई में करेंगे तो फाई आएगा, मतलब ये सत्य है। ये क्यों आया, अगर कोई संख्या है उसको जीरो से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी। ठीक उसी तरह से यदि फाई आ गया, यदि सेट में फाई आ गया तो उसका किसी से भी कोई भी सेट हो उसे क्रॉस करेंगे तो वो भी फाई आएगा, तो मतलब ये भी हमारा सत्य कथन है। इसी तरह से फ्रेंड आगे का वीडियो आगे बनेगा, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन का बटन दबा देना। थैंक यू।